नमस्कार, मैं हूं भावना चंद भारत न्यूज टीवी से, और आज आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लगातार हो रही बारिश का असर रेल परिचालन पर भी हुआ है। सासाराम आरा रेल खंड पर फिलहाल परिचालन को रोक दिया गया है। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास धनपुरवा गुमती के निकट रेलवे ट्रैक के किनारे जल जमाव हो गया है, जिस कारण रेलवे ट्रैक के धंसने की आशंका है। इसी को देखते हुए रेलवे ने 30 सितंबर तक फिलहाल आरा सासाराम के बीच चलने वाली दो पैसेंजर ट्रेनों तथा सासाराम पटना के बीच चलने वाली एक इंटरसिटी ट्रेन को रद्द कर दिया है। बता दें कि इस रूट पर रेलवे ने नई पटरी बिछाई है, जिससे ट्रैक के धंसने की आशंका है। बता दें, इस महीने ही दो बार ट्रैक में गड़बड़ी के कारण दो मालगाड़ी पटरी से उतर गए थे। सासाराम रेलवे स्टेशन पर तैनात AASAM मुरली मनोहर ने बताया कि संभवतः भारी बारिश के कारण ये निर्णय लिया गया है। 30 तारीख तक फिलहाल आरा सासाराम रेलखंड पर परिचालन को रोका गया है। रेलवे के अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं तथा आज अभियंत्रण विभाग के वरीय अधिकारी भी इसका जायजा लेंगे। 1471 चूँकि 1472 बनारस से आती है और आरा जाती है। बिहार में पूरी बारिश हो रही है और सासाराम में पूरी बारिश हो रही है, ये हो सकता है इस कारण से रद्द होने का यही एक कारण है। सासाराम बिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी आज की देश दुनिया की बड़ी तमाम खबरें। हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी पर।